आज हैं हम अंडमान आइलैंड के दिगलीपुर एरिया में, जो कि नॉर्थेस्ट पॉइंट है अंडमान का, और हम जा रहे हैं सैडल पीक, जो कि अंडमान का हाईएस्ट पीक पॉइंट है, उसको क्लाइंब करने हैं। सी लेवल से उसका हाइट है 732 मीटर, और आप समझ लीजिए हम ऑलमोस्ट 0 मीटर वाले लेवल पे हैं, बिकॉज हम सी लेवल पर हैं। और अराउंड 8 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से कि अभी हम 3 किलोमीटर चल के आए हैं, और सैडल पीक के टॉप पे पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का और हमें रास्ता तय करना है। पूरा जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट है, पानी के बहुत सारे झरने बीच में बहते हुए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये फ्रेश वाटर है, काफ़ी ठंडा है, और रास्ता काफ़ी अमेजिंग है। हम आपको भी आगे रास्ता और दिखाएंगे, और आखिरी में दिखाएंगे सैडल पीक से व्यू। तो आइए हमारे साथ, हम चलेंगे अब आगे। अभी सैडल पीक के टॉप पे पहुंचने में अराउंड 4 किलोमीटर और है, रास्ता पूरा जंगल का है। आप देख सकते हैं एक पगडंडी बनी हुई है, जो कि पीक पे पहुंचने के लिए यूज होती है। तो थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे पीक से व्यू। अभी 3 घंटे की चढ़ाई के बाद हम, आप समझ लीजिए सैडल पीक का जो पीक है उसके एक स्टॉप नीचे है। व्यू यहाँ पर एक मचान बना हुआ है, जिस पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। व्यू बहुत ही सुंदर है, सामने आप पूरा कोस्ट लाइन देख सकते हैं, और वहाँ पे देखिए एक शिप भी सेल कर रहा है ओशन में। अभी कुछ चौड़ाई का हिस्सा और बाकी है, अराउंड 1 घंटा और लगेगा। ये देखिए सैडल पीक का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो वहाँ पर इस टाइप का एक और मचान बना हुआ है। तो फिलहाल अभी हमारी वॉक का एक बड़ा हिस्सा और बाकी है, मैं अगला व्यू आपको वहाँ से दिखाऊंगा। तो फाइनली 6 घंटे की हाइक के बाद हम आ गए हैं सैडल पीक के टॉप पर, 732 मीटर की हाइक पर। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से हमें दिख रहा है, काफ़ी लंबा कोस्टल लाइन। सामने रॉसमिथ आइलैंड भी हमें दिख रहा है, जो कि अभी लो टाइड के टाइम पे सैंड के बाहर से कनेक्टेड है, और बहुत ही शानदार व्यू। तो अगर आप अंडमान आइलैंड कभी आए तो सैडल पीक पे ज़रूर आइएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा।